खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कश्मीर में सेब व्यापारियों पर फिर हमला, शोपियां में आतंकियों ने दो को गोली मारी, एक व्यापारी की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। पुलवामा के काकोरा में आतंकियों ने छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या की। जम्मू कश्मीर से जारी आतंक का सफाया, हमले के लिए आए तीन आतंकी अनंतनाग में ढेर। पंजाब के फिरोजपुर में फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ जवानों ने फायर किया तो उड़ गया। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर सुनवाई पूरी, 17 नवंबर से पहले आ सकता है फैसला, 17 नवंबर को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई समेत पांच जजों की बेंच ने 40 दिन तक मंदिर पर सुनवाई की, अब फैसला सुरक्षित रखा। अयोध्या विवाद पर सुन्नी वक्फ बोर्ड का रुख नरम, सूत्रों के मुताबिक मध्यस्थता पैनल ने कहा सुन्नी वक्फ बोर्ड कहीं और जमीन लेने के लिए तैयार। कल कोर्ट में खूब नोकझोंक हुई, हिंदू पक्ष के नक्शे को सुन्नी पक्ष के वकील राजीव धवन ने फाड़ा, चीफ जस्टिस ने डांटा। आज अयोध्या केस की सुनवाई करने वाली पांच जजों की बेंच अपने चैंबर में बैठेगी, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। फाइनल फैसले से पहले अयोध्या में हलचल, योगी सरकार ने फील्ड अफसरों की छुट्टियां रद्द की, धारा 144 पहले से लागू। अयोध्या में सुरक्षा के लिए गोरखपुर, वाराणसी और इलाहाबाद जोन से पुलिस की मांग की गई, पीएसी की 7 कंपनियां बुलाई गई। अयोध्या में दिवाली पर इस बार दीपोत्सव कार्यक्रम में 4 लाख दिए जलाने की तैयारी, एक नया रिकॉर्ड बनेगा। अयोध्या केस पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले अभी कुछ नहीं बोलूंगा, कानून मंत्री के तौर पर मुझे कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। अयोध्या केस पर जेडीयू ने कहा फैसला हिंदू के पक्ष में आए या मुस्लिम के, कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा। पीएम मोदी आज भी महाराष्ट्र में करेंगे धुआंधार प्रचार, परली, सतारा और पुणे में एक एक जनसभा करेंगे, मुंबई में कल मोदी की रैली। कल पीएम मोदी बोले दिल्ली में नरेंद्र की तरह अब महाराष्ट्र में दोबारा देवेंद्र को लाएं, एक नरेंद्र और एक देवेंद्र मिलकर 2 नहीं 11 साबित होंगे। महाराष्ट्र के अकोला की रैली में बोले मोदी वीर सावरकर के संस्कार हैं कि हमने राष्ट्रवाद को राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर बोले वीर सावरकर देशभक्त थे, उन्हें क्यों न मिले भारत रत्न, कांग्रेस सम्मान को अपने परिवार तक ही सीमित रखना चाहते हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बीजेपी पर तंज, कहा सिर्फ सावरकर ही क्यों, नाथूराम गोडसे को भारत रत्न क्यों नहीं। वीर सावरकर को लेकर दिग्विजय सिंह बोले सावरकर के जीवन में 2 पहलू थे, ये नहीं भूलना चाहिए कि महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में उनका नाम भी दर्ज हुआ था। महाराष्ट्र की रैली में बोले मोदी परिवार भक्ति में दब गया कांग्रेस का राष्ट्रवाद, इसलिए ले रही है अंतिम सांस। महाराष्ट्र में मोदी के चुनाव प्रचार पर कांग्रेस का तंज, पूछा पीएमसी बैंक घोटाले पर जवाब क्यों नहीं देते मोदी। मुंबई में आज एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की सभा, लालबाग में पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में कल अमित शाह ने रैली में कहा 2024 से पहले घुसपैठियों को देश से निकालेंगे। पानीपत की रैली में अमित शाह का कांग्रेस पर 3D वार, बोले कांग्रेस सरकार ने दरबारी दामाद और दामाद के दलाल के लिए काम किया। गुरुग्राम की रैली में अमित शाह बोले मनोहर लाल खट्टर के लिए इतनी तेज कमल पर बटन दबाई कि करंट इटली में लगे। दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जनसेवा पत्र जारी करेगी, 21 अक्टूबर को है हरियाणा में चुनाव। कांग्रेस से बगावत करने वाले अशोक तंवर बोले जेजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, दुष्यंत चौटाला का करूंगा समर्थन। हरियाणा में चालान बना चुनावी मुद्दा, पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा बोले नए कानून को किसी भी कीमत पर हरियाणा में लागू नहीं होने देंगे, कहा चालान अमेरिका जितने और सुविधा पाकिस्तान से भी बदतर। एबीपी न्यूज पर 18 अक्टूबर यानी कल देखिए महाराष्ट्र और हरियाणा का ओपिनियन पोल और 24 अक्टूबर को देखिए सबसे तेज नतीजे, सुबह 6 बजे से एबीपी न्यूज पर लगातार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज से करेंगे चुनाव प्रचार, बिहार में विधानसभा की 5 और लोकसभा की 1 सीट पर उपचुनाव होना है। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह आज मुंबई में व्यापारियों, प्रोफेशनल्स और मीडिया के लोगों के साथ बातचीत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा मनमोहन सिंह और रघुराम राजन का दौर सरकारी बैंकों के लिए सबसे खराब था। मुंबई में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले भाजपा को विकास नहीं राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मिले। कल यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रयागराज में पदयात्रा की, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को लेकर संकल्प यात्रा की गई। यूपी के शामली में मंत्री अतुल गर्ग का जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण, खामियां मिलने पर सीएमओ समेत डॉक्टरों को फटकार लगाई।
एमपी के रीवा में नगर निगम कमिश्नर के दफ्तर में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, कमिश्नर को जबरन चूड़ी और चुनरी पहनाई। तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने चिदंबरम को गिरफ्तार किया, पहले सीबीआई ने की थी गिरफ्तारी। पंजाब के मुक्तसर में सीएम अमरिंदर सिंह के काफिले की सुरक्षा कर रहे अधिकारियों ने खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह को कार से बाहर निकाला, हुई जमकर बहस। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच हो सकता है, औपचारिक ऐलान का इंतजार। शाहजहांपुर लॉ कॉलेज की छात्रा से यौन शोषण के आरोप में चिन्मयानंद की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ी। आज देशभर में मनाया जाएगा करवा चौथ का पर्व, आज पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं रखेंगी व्रत। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में करवा चौथ के मौके पर महिलाओं में उत्साह, बाजार में खरीदारी करते और मेहंदी लगवाते नजर आई महिलाएं। करतारपुर कॉरिडोर के लिए 20 अक्टूबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, 1400 रुपए फीस वसूलेगा पाकिस्तान। आज से राष्ट्रपति कोविंद करेंगे फिलीपींस और जापान का 7 दिवसीय दौरा, विदेश मंत्रालय ने कहा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने की कोशिश। आज से साझा युद्धाभ्यास करेंगी भारत और जापान की वायुसेनाएं, पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में 23 अक्टूबर तक चलेगा ये युद्धाभ्यास। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की नीलामी का आज अंतिम दिन, नीलामी से जमा की गई राशि को नमामि गंगे परियोजना के लिए दिया जाएगा। एचडीआईएल प्रमोटर्स और घोटाले के मुख्य आरोपी राकेश और सारंग वाधवान की अपील, संपत्ति बेचकर चुकाया जाए पीएमसी बैंक का कर्ज। पीएमसी बैंक के पूर्व एमडी जॉय थॉमस की आज कोर्ट में होगी पेशी, 4355 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप पे पुलिस ने हिरासत में लिया था। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में तीनों आरोपियों मुख्य आरोपियों को पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद 23 अक्टूबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। पीएमसी बैंक घोटाले से परेशान लोगों ने मुंबई की अदालत के बाहर प्रदर्शन किया, आरोपियों को जमानत न देने की मांग। गुजरात के अहमदाबाद में आयकर विभाग ने 16 स्थानों पर की छापेमारी, 7 करोड़ कैश बरामद। केरल में छात्र संगठन ने सचिवालय तक मार्च किया, पुलिस ने छोड़ी बौछार, छात्रों पर केस दर्ज होने का विरोध। हैदराबाद में सरकारी बस कर्मचारियों की हड़ताल का आज 12वां दिन, हजारों कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। जम्मू पठानकोट हाईवे पर 2 नए टोल प्लाजा बनाए जाने का विरोध, आज से ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर। दिल्ली की अदालत में 13 तोतों की पेशी हुई, भारत से उज्बेकिस्तान में तस्करी करके ले जाने का केस। दिल्ली की हवा और खराब हुई, सीजन में पहली बार प्रदूषण बहुत खराब के स्तर तक पहुंचा। प्रयागराज में प्याज की जमाखोरी रोकने के लिए प्रशासन ने मजिस्ट्रेट की अगुवाई में 12 टीमों का गठन किया, छापे मारेंगे। बजाज ऑटो ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक नाम से भारतीय बाजार में लॉन्च किया। उत्तराखंड के टिहरी में पहाड़ टूटने से ऋषिकेश चंबा नेशनल हाईवे ठप हुआ, दोनों तरफ लग रहा लंबा जाम। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की न्यायिक हिरासत आज होगी खत्म, वेस्टमिंस्टर कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा पेश। बिहार के कटिहार में एक घर में पल रहा है 8 फीट का अजगर, सांप के पालने वाले वाली भाभी ननद ने जोड़ी को बताया जा रहा है महिला सशक्तिकरण का उदाहरण। राजस्थान में छात्राओं को नहीं दी जा रही है निःशुल्क साइकिल, जबकि साइकिल वितरण योजना के तहत करोड़ों रुपए की साइकिल पहले से ही खरीदी जा चुकी है। आज से लैंको इंफ्राटेक और मोजरबेयर समेत 9 कंपनियों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से हटाया जाएगा। बिहार के अररिया में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला, एक महिला ने अस्पताल परिसर में ही 3 शिशुओं को जन्म दिया। लेकिन रोहिणी में दिल्ली के स्पेशल सेल ने किया एनकाउंटर, स्कूटी सवार झपटमार को गोली लगी, पुलिस की गिरफ्त में बदमाश। बिहार के मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा में नशे में धुत पुलिस वाला ठुमका लगाते और हथियार लहराता दिखा, आरोपी एसआई सस्पेंड। बिहार के मुजफ्फरपुर में हथियारों के साथ डांस करता दिखा होटल का मालिक, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के सहरसा में थाना प्रभारी के आवास के पास एक प्रोफेसर की गोली मारकर हत्या, अपराधी फरार। बिहार के औरंगाबाद में 2 ऑटो रिक्शा की जबरदस्त टक्कर, 1 ऑटो रिक्शा में विस्फोट से 1 शख्स की मौत, 7 लोग घायल जिनमें 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। यूपी के मुरादाबाद में होमगार्ड्स की ड्यूटी लगाने के नाम पर वसूली का वीडियो सामने आया, वसूली करने वाले कंपनी कमांडर के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं। दिल्ली सटे नोएडा में अवैध संबंध के शक के चलते एक शख्स ने पत्नी की गला घोटकर हत्या की, आरोपी पति गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के दादरी में पुलिस और शराब माफियाओं के बीच मुठभेड़, 350 पेटी शराब जब्त। दिल्ली सटे गाजियाबाद में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़, 25 बदमाश गिरफ्तार, दूसरा बदमाश फरार।
यूपी के मुरादाबाद में चौकीदार के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, मृतक के दोस्त के बेटे ने की हत्या, पिता की संपत्ति बिकवाने से पिता के दोस्तों से नाराज आरोपी। यूपी के पिलोकवा में पुलिस कस्टडी में एक किसान की मौत को लेकर मानवाधिकार आयोग ने यूपी पुलिस को नोटिस भेजा। यूपी के शामली में सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा वापस लेने के लिए धमकी से हड़कंप, पुलिस 6 लोगों के खिलाफ कर रही है कार्रवाई। जिले के रोहिणी इलाके में एक युवक ने फेसबुक लाइव पर खुद को आग लगाई, थाने के बाहर पेट्रोल डाला, थाने के अंदर जाकर आग लगाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़, 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, बाइक और हथियार जब्त। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक थाने में एक अपराधी ने खुद को सरेंडर किया, फिर कभी अपराध न करने की कसम खाई। यूपी के सुल्तानपुर में बीजेपी नेता के बेटे ने दरोगा और पुलिस को पीटा, सड़क से गाड़ी हटाने को लेकर हुआ विवाद। यूपी के बरेली में पत्रकार के भाई की गोली मारकर हत्या, स्मैक तस्करों के खिलाफ खबरें लिखने पर हत्या की आशंका। यूपी के एटा में एक ट्यूशन पढ़कर आ रही छात्रा को मनचलों ने मारी गोली, लोगों को आता देख भागे आरोपी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अज्ञात बदमाशों ने बीजेपी नेता को गोली मारी, घायल नेता का इलाज चल रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में दो व्यापारी आपस में भिड़े, लाठी डंडे से हुई मारपीट, पुलिस ने 5 लोग गिरफ्तार किए। मध्यप्रदेश के एक स्कूल में बोर्ड का रिजल्ट खराब आने पर शिक्षकों को देनी पड़ी परीक्षा, जिसमें किताब देखकर लिखते शिक्षकों का वीडियो वायरल हो गया। एमपी के बुरहानपुर में एक युवक की चाकू से हमला करके हत्या, हत्या के सभी आरोपी फरार। सीआई अध्यक्ष बनने के बाद कोलकाता पहुंचे सौरभ गांगुली, आतिशबाजियों के साथ हुआ भव्य स्वागत, दिखा दिवाली जैसा नजारा। टीम से बाहर होने पर बोले माही, करियर में संकट आता जाता रहता है, मुश्किल हालातों में शांत रहकर और मेहनत करना करता हूं। आखिरी टेस्ट के लिए रांची पहुंची भारतीय टीम, आखिरी टेस्ट जीतकर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अपने एक अंक और बढ़ाने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप मैच में हो सकता है भारत और पाक का सामना, टी20 वर्ल्ड कप को सुपरहिट बनाने के लिए आईसीसी इस पर काम कर रही है। टी20 के बाद अब लोगों को टी10 भी देखने को मिल सकता है, वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाज आंद्रे रसेल ने आईसीसी से टी10 लीग शुरू करने की अपील की है। सत्रह साल के बल्लेबाज ने ठोका दोहरा शतक, विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के ओपनर यशस्वी जायसवाल ने झारखंड के खिलाफ 154 गेंदों में 203 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर जुलाई में होने वाली द 100 क्रिकेट लीग को शुरुआती ड्राफ्ट में सबसे महंगे खिलाड़ी, स्मिथ और वार्नर की रिजर्व कीमत करीब 1.14 करोड़। डेनमार्क ओपन 2019 के दूसरे दिन भारत को हाथ लगी निराशा, सायना नेहवाल पहले ही राउंड में जापान के खिलाड़ी से हार कर टूर्नामेंट से हुई बाहर। मलेशिया में चल रहे सुल्तान ऑफ जोहोर कप में भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन, ऑस्ट्रेलिया को 5-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रो कबड्डी लीग के सातवें सीजन के दूसरे सेमीफाइनल में बंगाल की धमाकेदार जीत, पूर्व विजेता यू मुंबा को हराया। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो ने दागा 700वां गोल, ऐसा करने वाले छठे खिलाड़ी बने। रोनाल्डो यूरो 2020 क्वालिफायर मैच में यूक्रेन के खिलाफ खेलते हुए दागा गोल। फिलीपींस में भूकंप से अफरा तफरी, स्कूल को खाली करने की तस्वीरें सामने आई, ज्यादा नुकसान नहीं। सीरिया में 8वें दिन भी तुर्की की बमबारी जारी, रूस ने कहा वो तुर्की और सीरियाई सरकार के बीच मध्यस्थता को तैयार। तुर्की सीरिया तनाव पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, सीरिया बड़े अच्छे से काबू में है। बोस्निया के बिहाक शहर के मेयर का अल्टीमेटम, कहा कैंपों में रह रहे सैकड़ों शरणार्थियों की मदद असंभव नहीं। स्पेन के कैटालोनिया में आतंकवाद अलगाववादियों का मार्च, कैटालोनिया को अलग देश बनाने की मांग। अफगानिस्तान के लगमान में कार में धमाका, 2 सुरक्षा अधिकारियों की मौत, 26 घायल। पाकिस्तान दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने कहा जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए जल्द कार्रवाई करनी होगी।